हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं अपना आज का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हॉन्टेड वर्ल्ड। जी हाँ, हॉन्टेड वर्ल्ड में मैं आप सभी को बताता हूं उन भूतिया जगहों के बारे में जो कि सच में ही हैरान कर देने वाली होती हैं। उन रहस्यों के बारे में आप सभी को बताता हूं जो कि किसी जगह से जुड़ी हुई हों। लेकिन आज मैं आपको एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी जगहें दिखाऊंगा दिल्ली की, जहां ये दिल्ली के रोड अपने भूतिया रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। अब क्या कुछ है इन रोड़ों पर, आखिर कैसे भूतिया रोड कहलाते हैं, और दिल्ली में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर इन रोड़ों को भूतिया रोड कहा जाता है, आपको दिखाएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम की और बताते हैं आपको भारत के दिल्ली की कुछ ऐसी भूतिया जगहें जो कि काफी डरा देने वाली हैं। डालिए नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर। जी हाँ, आज अपने इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी को आज बताने वाले हैं दिल्ली के उस रोड के बारे में जो कि काफी भूतिया तो है ही। इसके अलावा हम आपको दिल्ली की उन जगहों के बारे में बताएंगे जो कि रोड से भी ज्यादा भूतिया हैं। अगर आप किसी सुनसान हाईवे पर रात में ड्राइव कर रहे हों और फिर अचानक ही कोई सफ़ेद साड़ी पहनी औरत दिख जाए, या फिर अचानक किसी रास्ते से गुजरते हुए आपके शरीर में खुद ब खुद कपकपी छूटने लगे, तो फिर एक वारगी आप भी डर जाएंगे। लेकिन ये कोई सीरियल या फिर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सच्चाई है। और साथ ही साथ ये हाईवे भी कहीं किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में ही है। इन्हें हॉन्टेड माना गया है क्योंकि इनसे जुड़े डर के किस्से काफ़ी मशहूर हैं जो कि अक्सर ही आपको सुनने को मिलते होंगे। अगर आपने ना सुने हो तो एक बार जान लीजिए इस हाईवे के बारे में, ताकि अगली बार अगर आप जाएं तो कम से कम ये ज़रूर देख लें कि रात ना हो। जी हाँ, आज अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली के भूतिया रोड से शुरुआत करते हुए बताएंगे कुछ ऐसी ही दिल्ली की जगहों के बारे में जो कि भूतिया तो हैं ही, साथ ही साथ काफ़ी डरावनी भी हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी हाईवे से। भानगढ़ का डरावना किला तो आपको याद ही होगा। बता दें कि ये इसी हाईवे पे है, यानी कि दिल्ली जयपुर हाईवे से है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात के वक्त डरावने किस्से अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवरों का ये कहना है कि वो बता नहीं सकते कि उन्होंने असल में क्या अनुभव किया, खासकर कि तब जब वो भानगढ़ किले के आसपास हों। जी हाँ, जहाँ भानगढ़ से गुजरते हुए उन्हें यह एहसास हुआ है, तो वहीं अब आपको दिल्ली की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूतों, आत्माओं या फिर कोई अदृश्य शक्तियों का निवास है। इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग जुटा पाते हैं। जी हाँ, दिल्ली कंटेनमेंट, जिसे समानता दिल्ली कैंट कहा जाता है, की स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। ये पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह ही दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है, और अगर आप आगे निकल जाते हैं तो ये महिला कार के जितना तेज़ भागकर पीछा करती है। तो वहीं बहुत से लोगों ने उसको देख जाने की पुष्टि भी की है, हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं आई। साथ ही लोगों का ये कहना है कि शायद किसी महिला ट्रैवलर की आत्मा है जिसका निधन इसी इलाके में हुआ। तो वहीं इसके बाद है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया ये किला आज खंडर हो चुका है। आसपास की लोगों की मानी जाए तो हर गुरुवार यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती हैं, और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और साथ ही कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहा है, जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों किलों के रूप में होने लगी है। खूनी नदी रोहिणी। रोहिणी के कम शोरगुल वाले इस इलाके में यूं भी कम लोग आते हैं, नदी के आसपास कोई नहीं जाता, और कारण नदी के किनारे
बॉडीज मिलना। जी हाँ, कई दुर्घटना चाहे जो हो, यहाँ नदी किनारे बॉडी मिलना आम बात हो गई है। यही कारण है कि लोग इसे डरावनी जगह में शुमार करते हैं। मालचा महल। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण रिज के बीढ़ों में छुपा हुआ है और इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ ये महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका है। इसी महल में रेगन विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को अपनी जान ले ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी इस महल में भटकती है। तो वहीं अब बात करते हैं म्यूटनी हाउस कश्मीरी गेट की। ये स्मारक 1857 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था। हाँ, यादें और साएं अभी भी इस इमारत के आसपास रहते हैं, इसीलिए इसे डरावना माना जाता है। बात करते हैं एक और फेमस जगह भूली भटियारी के महल की। जी हाँ, इससे भी कुछ ऐसे ही किस्से जुड़े हुए हैं। ये महल किसी ज़माने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था और इस महल का नाम भूली भटियारी इसकी देखभाल करने वाली महिला के नाम पर पड़ा है। और अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा भी नहीं आता, अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें यहाँ माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना देती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं संजय वन के बारे में। जी हाँ, ये जगह भी काफ़ी प्रसिद्ध है, साथ ही अपने डरावनी चीज़ों को लेकर। 10 किमी क्षेत्रफल में फैले इसी इलाके में कहते हैं कि बच्चों की आत्माएं दिखने के दावे किए गए हैं, जो कि अक्सर खेलते रहते हैं। अंदर से ये वन घना और साथ ही डरावना भी है। इसके बाद है करवला कब्रिस्तान। जैसा नाम वैसा कब्रिस्तान। जी हाँ, फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी साएं दिखने और साथ ही उनकी हरकतों के गवाह हैं आसपास के लोग। जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद मेहरौली। जी हाँ, ये अगली जगह है। ये मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी में सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र भी मौजूद है। साथ ही इस जगह के बारे में लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव भी हुए हैं। और सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजकवि थे, साथ ही साथ इसके बाद बाबर और फिर उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई। जी हाँ, बता दें आप सभी को, ऐसा भी माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया और मकबरे में दो संगमरमर की कब्र भी हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 और 1529 में किया गया था। ये मस्जिद लाल पत्थर और साथ ही संगमरमर में बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं खूनी दरवाजे की। यही बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को अंग्रेज़ों ने मार डाला था। जी हाँ, कहते हैं कि तभी से तीनों शहजादे इसी इलाके में साया बनकर मौजूद हैं। वेल दोस्तों, ये थी कुछ भूतिया जगहें जो कि दिल्ली में थी, जहां आपने देखा होगा जयपुर हाईवे से लेकर दिल्ली के कैंट रोड तक। इसके अलावा कुछ ऐसे रोड्स भी रहे जो कि नॉर्मल यूज़ किए जाते हैं और प्रॉपरली शायद इन रोडों के पीछे की जो भूतिया कहानियां या किस्से हैं ये शायद लोगों को पता भी ना हो। इसके अलावा आप सभी ने देखा ये जो भूतिया रहस्य या फिर जगहों पर ये जो भूतिया किस्से हैं किन किन जगहों पर हैं। जी हाँ, दिल्ली के कुछ टॉप प्लेसेस मैंने आप सभी को अपनी खास रिपोर्ट में बताए हैं, जहाँ इन प्लेसेस से, इन रोड से कुछ भूतिया रहस्य जुड़े हुए हैं। अब क्या भूतिया रहस्य थे आप सभी ने जान ही लिया है हमारे इन खास रिपोर्ट्स में। तो वहीं आज के इस बेहद खास प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड में इतना ही, जहां आज आपने दिल्ली की कुछ डरावनी जगहों के बारे में जाना, डरावने रोड्स के बारे में जाना। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।